चेंज करना चाहिए क्या? हम दोनों सेम कलर के हो। आवाज बहुत गूंज रहा है यहाँ पे। How are you guys? I hope everyone is doing great. I hope you guys are staying safe. So today's video, we are finally shooting one of my personal favorite kind of videos. So we will be reacting to some mean comments on our videos. Hello girl. लाल है तो क्या होगा दिलवाले तो वक्त रिसेंटली हम लोग अंतिम मूवी देख के आए यार, और उसमें हम लोग को महेश मांजरेकर के कैरेक्टर ने इतना ज्यादा इंस्पायर किया कि हम लोग कल से और मैं आज वीडियो नहीं डाला क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं अपना सुबह सुबह क्लास लेके कैसे मैं सो गया और उसके बाद मैं अब तक जिम नहीं गया हूँ। अभी ये वीडियो शूट करके मैं जाऊँगा, सिर्फ कार्डियो करके आऊंगा आज, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स खा लिया आज मैंने, तो अपने को चालू करना चाहिए लेके प्रभु का नाम। बोलो राम राम राम। तुमको पता है ना, मतलब थोड़ा बहुत तो आइडिया है हम क्या कर रहे हैं। हाँ, तुमने बोला हम हेट कमेंट्स पे रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ, स्पेसिफिकली उन कमेंट्स पे जो हम दोनों के रील्स पे आते हैं तुम्हारे। हाँ, मतलब मेरे रील पे आते हैं। हाँ, तुम्हारे रील पे आते हैं क्योंकि तुम तो रील डालता है नहीं। हाँ, क्योंकि मुझे पता है ऐसे कमेंट्स आते हैं। नहीं, मेरे को पता है, मेरे को पता है मेरे को बचपन से ही शाहरुख बनने का था, तो ये मेरा इंस्टाग्राम ने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दे दी है कि अपनी शाहरुख की हीरोइन चेंज होती रहती है, अपनी नहीं होगी। अपनी हीरोइन के साथ अपन शाहरुख बन सकते हैं वहां पर। एक चीज पहले क्लियर कर देते हैं, दिस इज नॉट आउट ऑफ हेट और रिवेंज, या फिर हमें वापस किसी पे ऐसा वी वांट टू गिव बैक टू समवन, दिस इज जस्ट फॉर फन। नहीं, वो होता है तो हम सीधा सीधा बोल के करते हैं, हमको ऐसा छुप छुप के पीछे पीछे करने का जरूरत नहीं है। मतलब अब तक तो तुम लोगों को पता चल ही गया रहेगा हमारे बारे में, आए कि नहीं। बाकी दिस इज अ न्यू सेटिंग गाइस, बट अभी फिलहाल पीछे मेरे को ऐसा लगता है फ्रेम्स आने चाहिए थे ये दोनों ऐसे। थोड़ा हमारा प्रॉब्लम है कि हमारा सोफा नीचे है, बट हमारा सोफा बाद में आया, हमने फ्रेम्स पहले लगवाए, तो हमने फ्रेम्स थोड़े ऊपर लगवा लिए और सोफा लगा लिया। सोफा इतना ही नीचे होता है, यहाँ पर थोड़ी ना सीढ़ी लगाना पड़ेगा फिर चढ़ के बैठने के लिए। मेरे को बात नहीं करने देती इसके चैनल पे, फिर बोलते मैं इसका बात एडिट करता हूं अपने चैनल पे। ये चीटिंग है, खुद पहले से देख के रखते हैं। मतलब तो मैं सॉर्ट आउट करके रखूंगी ना, फॉर एवरी 1000 कमेंट्स 5 हेट कमेंट्स निकलते हैं। अच्छा, है ना, तो मतलब काफी टाइम लगा, काफी कम आ रहे हैं। हाँ, इसके कमेंट्स मैंने हर जगह देखे। अच्छा, ठीक है। He is called a good dot soul. And usually तुमने कभी notice किया, हमेशा ये लोग ऐसे ही profiles होते हैं इनके। A good soul, believer of God. हाँ, be humble. Be humble. Live and let live. Yes. और उनके कमेंट्स होते हैं, fuck you, I hope you die. Is it just me or there's no connection from her side? I think it's just him. I think it's definitely just you. Him and his good soul. I wonder इसको किसने बोला है कि he is a good soul? मेरे को ये नहीं समझता है कि लोगों को एक मिनट के अंदर, हाँ, एक रील के अंदर कैसे समझ जाता है कि कनेक्शन है या नहीं है। क्या पता मेरा तार निकला हो, दिख गया हो कहीं से। ये ऐसा कान में देखता रहेगा शायद, उसके मम्मी डैडी ऐसा कान में उंगली डाल के रखते रहेंगे कनेक्टेड रहने के लिए। बट He is not all hate. उसका एक और कॉमेंट है दूसरे वीडियो पे, I'd love if you both will be there together forever. Where together forever? The world is full of good and evil people. Yeah, and sometimes in the same person there is a lot of good and a lot of evil. So we have a clear example right here, yeah, right now in front of you guys. Mayank 021585. Why love is on camera? It's not a STD PCO. STD what? It's sexually not... transferred disease. पहले तो एक मिनट सब लोग मेरे साथ एक साथ में हम थोड़ा सा ज्ञान लगाएंगे कि इसका सेंस क्या बना। हाँ। It's not a STD and PCO. Why love is on camera? First part. It's not a STD PCO. तो शायद से इसके यहाँ पर जहाँ पर भी STD PCO के वो बूथ्स होते हैं ना, वहाँ पर लव वाले वीडियोस दिखाते रहेंगे। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि एसटीडी और पीसीओ एक पब्लिक डोमेन है, लव शुड बी प्राइवेट, मतलब प्राइवेट फोन होना चाहिए, प्राइवेट। बट एसटीडी प्राइवेट नहीं है, एसटीडी भी तो भारी है। व्हाई इज लव ऑन कैमरा, सबके सामने क्यों है, पब्लिक की तरह बाहर क्यों है तुम्हारा लव, अंदर क्यों नहीं रहता भाई? अंदर रहेगा तो तू अंदर रहेगा तो तुमको पता कैसे चलेगा? अंदर तुम रखो भैया अपने पर। हाँ। मेरे को ऐसा लग रहा है
कि एसटीडी और पीसीओ का वही मतलब है गाइस, तुम लोग को अगर समझ में आया तो बता देना, क्योंकि उसने बहुत ही कंफ्यूजिंग ये किया। उसने अपना नंबर भी दिया हुआ है, -02-1185, उसका पिन कोड है। रो रहा है या हंस रहा है? कौन से रील से निकाला है तुमने? जैसे मैंने ग्रीन पहना हुआ, तुमने बेज पहना हुआ इधर बाहर बालकनी में। नहीं, मैं तभी धो रहा था ब्रो। मैं ना रो रहा था ना मैं सो रहा था, मैं बस धो रहा था। कुलदीप शिल्पकर ठीक है, नीचे ड्र नीचे ड्र। What is, what does नीचे ड्र means? We have seen Doctor Strange, he is Doctor Blank. Oh, ये वो वाला डॉक्टर होगा, डॉक्टर लिखने के बाद बादशाह मूवी का मालूम है, वो इनविजिबल पेन होता है, उससे साइन करते हैं, वो है शायद से वैसा कुछ सीक्रेट फॉर्मूला है, किसी सीक्रेट एजेंसी के साथ काम करता है। My God, 29 May started and unstoppable yet. When 29th May? बोल दिया कि 29 मई से आई हैव बीन अनस्टॉपेबल, बट कौन से 29 मई से? अब देखो कैसा, इस साल भी इसने कुछ नहीं किया तो हम ब्लेम नहीं कर सकते अगले 29 मई। ये भी बोल सकते हैं कि अगले 29 मई से मैं अनस्टॉपेबल होऊंगा। हाँ, फ्रॉम ajay.kohli.5454, रेंट भर दिया रूम का, जो वीडियो बनाने का टाइम मिल गया, बटन तो साफ कर लिया करो। पीछे जो स्विच बोर्ड है उसका बटन कौन सा? स्विच बोर्ड का स्विच मतलब स्विच साफ कर लेते हैं, बटन बटन। मैं वही सोचो, हम दोनों ने शर्ट नहीं पहने, अभी पहने हैं, बटन साफ कर लेता हूं, रुक जा, बटन साफ कर लेते हैं। आई कैन सी वेयर इंटरस्टेलर को इंस्पिरेशन मिला फ्रॉम हिज बेली बटन, आई गेस, है ना? आई कैन सी द पैरेलल यूनिवर्स राइट देयर। मतलब इफ यू आर बोर्न अ कोहली, बी अ विराट नॉट एन अजय। भाई मेरे को तो लगता है विराट कोहली को भी मतलब एक बार तो ऐसा करना चाहिए, बहुत फास्ट बॉल आया था इधर से ये डिमेंशन से शक किया, फिर चड्डी को पक करके ऊपर की तरफ मारना चाहिए, एकदम लेजेंडरी। नेक्स्ट है मयूर से, इनका भी कटेगा, नॉर्मल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, टीएमटी डांस स्टूडियो। मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि कटेगा हमारा ठीक है, मगर कट फिलहाल तो इन बच्चों का रहे जो तुम्हारे इस इंस्टीट्यूट में सीखने आए हैं, एंड कट इनके माँ बाप का भी रहे जो ये सोच रहे कि हमारा बच्चा डांस सीखने जा रहा है, हमारे बच्चा डीआईडी में जाएगा। देखो हमारा ये रिक्वेस्ट है, हमारा कटे ना कटे, अगर तुम्हारे बच्चे ये डांस स्टूडियो में सीखते तो पहले निकालो, क्योंकि हमारा नहीं कटेगा तो तुम्हारा जरूर कटेगा, क्योंकि तुम्हारे बच्चे बड़े होके यही करने वाले, सोशल मीडिया पे लोगों के वीडियोस पे जाके ऐसे ही कमेंट करने वाले जो डांसिंग का पार्ट नहीं। तो मेरे हिसाब से द पेरेंट्स शुड बी कंसर्न्ड, दिस इज व्हाई यू नीड टू रिसर्च द टीचर्स अपने बच्चों को भेजने से पहले। सारे जोक्स असाइड, काफी बैड इन्फ्लुएंस है अगर एक टीचर ऐसा है जो मतलब लोगों को ऑनलाइन हरास कर रहा है, मतलब कोई काम धंधा नहीं है, इनका भी कटेगा मतलब पब्लिक प्रोफाइल लेके अगर ये इतना बात करता है, बच्चों के साथ क्या बात करता है? वही तो, एंड मोस्टली मतलब गर्ल्स है, आई डोंट वांट टू मेक एनी अजम्पशंस बट आई थिंक इट्स प्रीटी अनसेफ, आई डोंट नो। अभिषेक तिवारी 9059, भाई कटेगा, ज्यादा प्यार मत करना, एक दिन किसी और के लव यू छोड़ा जाएगा। और के लव यू छोड़ा जाएगा तो क्या? देखो भाई, हमारी गलती नहीं है, हम लोग को सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज LY लिखते लव यू लिखने के लिए, तो हम तो वैसे ही पढ़ते हैं, हमसे नहीं पढ़ा जाता ये सब, ठीक है। एनीवे, मतलब मुझे लगता है कि मुझे ऐसे कमेंट्स सिर्फ ऐसे ही इमेजिन होते हैं कि रात को 2 बजे ओल्ड मॉन्क लेके रो रो के यहाँ से आंसू निकल रहे, नाक बह रहे, ऐसे लिख रहे, इतना बेवड़ा हो गया वो, पीते हुए अपना सेमड़ा ही निकल के और लिख रहे, इतना हर्ट है वो। या तो फिर दूसरा चीज ये हो सकता है कि मालूम है, ये वो बच्चे रहते हैं जिन लोगों का स्कूल में अफेयर चलता है, और उनको स्कूल में उनका ब्रेकअप होने के बाद उनको लड़कियां मिलती नहीं है, तो पूरा लाइफ फ्रस्ट्रेशन में ही निकलता है। उनको लगता है कि मतलब हमारा वो फर्स्ट लव था, इसके लिए वो हर्ट कर रहा है। गाइस,
सबका होता है, बट मतलब स्कूल से अगर निकलने के बाद तुमको कोई और नहीं मिला है, देन इट इज यूजुअली बिकॉज तुम लोग स्कूल से बाहर अपने आप को और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर पाए, है ना। बट उस चीज का फ्रस्ट्रेशन अपने आसपास वालों के ऊपर, इंटरनेट पे स्ट्रेंजर्स के ऊपर निकालना छोड़ दो, क्योंकि सब लोग थोड़े ना शाहरुख सलमान है जो ट्रोल्स को देखकर भी इग्नोर करेंगे। हम तो सेम तुम्हारे जैसे ही है। तुम हमें बोलोगे, हम तुम्हें बोलेंगे। तुम हमसे मिलोगे, हम तुमसे मिलेंगे। It's pretty sure कि इसका काफी बुरा ब्रेकअप हुआ है, which is very sad, but नहीं हो गया ना मतलब। हाँ, but इसकी बातों से evident है क्यों हुआ है। क्यों हुआ है? ऐसे रोने वाले लड़के किसी को नहीं चाहिए। बॉय बहुत बुरा है ऐसा किसी ऑनलाइन लड़की से सुनना है। ऐसे लड़के किसी को नहीं चाहिए होते, मतलब किसी भी लड़के का वर्ष नाइट में रो सकते। मेरे हिसाब से हमको सोशल मीडिया छोड़ के सोशल सर्विस में लग जाना चाहिए। नहीं तुमको हमें प्लांट्स उगाना चाहिए। नहीं मामा, नहीं नहीं, नहीं नहीं सुनो ना, तुम सुनो ना। देखो हम लोग मोर जाते हैं सब्जी लेने के लिए। अब कैसा होता है कि मोर में सुबह 8 बजे सब्जी आती है, मगर हम लोग तो कैसे, अभी हम लोग एकदम ही वैसे, तो हम लोग जाते हैं रात को 8 बजे 9 बजे कभी, और उस टाइम पर एकदम ही गंदे सब्जी पड़े होते हैं, छोटे आलू, सड़े हुए प्याज। ये वो कैटेगरी है कि मतलब सब लोग पिक हो जाएंगे, बट तुम मोर की सड़ी हुई सब्जी जैसे ही पड़े रहोगे। जो हम जैसे लोग ही पिक करेंगे। हाँ, और कर लेंगे। वो इधर पड़े पड़े और सड़ेंगे। आंटी ने, मैं तुम लोगों को झूठ नहीं बोल रहा, आंटी ने इतने प्यार से हमको 3 दिन पहले शकरकंदी दिया था, बोला था बच्चे हमारे खाएंगे, वो तब से वहीं पर पड़े। आंटी ने डिस्क्लेमर के साथ बोला था कि खा लेना, यूज कर लेना, तो तुमको अगर उठाया भी तो भी हम जैसे लोग ही उठाएंगे। ठीक है, अब डोंट टेक इट इन अ गुड वे। उठा के मतलब पड़े रहोगे। नेक्स्ट इज फ्रॉम दीपेश पाटिल। ठंडी का सेशन आ रहा है ना। उसका गलती नहीं है। गलती नहीं, आई मीन नो ऑफेंस टू ऑल द पाटिल वॉचिंग दिस वीडियोस, वी ओनली नो वन पाटिल जिसके घर पे खारा पानी आता है। जो मंचन करते हैं उनका मेरा मतलब। नेक्स्ट इज निक मैवरिक। थैंक्स फॉर द क्रिंज ऑन माई फीड। एक सेकेंड, इसका कैप्शन है कूल वेदर एंड हॉट कॉफी परफेक्टली बैलेंस्ड एज इट शुड बी, बट आई कैन सी वन थिंग दैट इज नॉट बैलेंस्ड हियर। क्रिंज कौन सी आंखों में ज्यादा दिख रहा है, लेफ्ट में या राइट में? और मुझे तुम ये बताओ, तुम फोन ऐसे पकड़ते हो कि इधर फोन रखो और इधर से दूसरा कैमरा चालू करके देखते हो, ये दिखता है डॉक्टर स्ट्रेंज। मेरे को है ना, मेरे को ये चीज भी बहुत पहले से क्लियर करने का था, मतलब अभी मैं देख रहा हूँ कि मतलब जो लोगों को ऐसा लगता है कि हम कैमरा पे नहीं आ सकते, हम कैमरा पे बात नहीं कर सकते, हम कैमरा पे अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते, उनके पास एक ही वे आउट है इस चीज को टालने का। अभी इस पे एक रिसेंटली कमेंट आया था एक लड़के का, एक लड़की को टैग करते हुए कि भाई मैं तेरे को और तेरे बॉयफ्रेंड को ये देखना चाहता हूँ करते हुए, हम दोनों का रील करते हुए, तो बोलते नहीं रे जाने दे ये सब कौन करेगा। तो उसके फ्रेंड ने उसको बोला कि दुनिया भर का क्रिंज करो लोग तुम लोग, बट अच्छी चीजें मत करो। तो लड़की बोलती ये ज्यादा क्रिंज है, तभी मेरे को समझा कि इनका निकलने का तरीका ये कि क्रिंज बोल दो, एक वर्ड आ गया मार्केट में क्रिंज बोल दो, हर कोई क्रिंज है। किसी को भी क्रिंज बुलाना इज नॉट रियली एन इंसल्ट, इट जस्ट मीन्स दैट इट डज नॉट सूट योर टेस्ट, और तुम्हारे टेस्ट का हमने तो क्लियरली ठेका नहीं ले रखा है ना? ना तुम्हारा टेस्ट हमको पे करता है। हाँ, exactly. So, अगर तुम और तुम्हारे बॉयफ्रेंड मतलब ये सब चीजें पुल ऑफ नहीं कर सकते, मे बी इट्स टाइम टू चेंज योर पार्टनर और ट्राई एंड गेन सम टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस, और मे बी हैव किड्स, एंड इफ यू आर हैविंग किड्स मेक श्योर यू डोंट प्रेशराइज देम कि मतलब टू बी लाइक यू। हां वैसा जो मैं नहीं कर पाया, मैं चाहता हूं मेरा बच्चा वो करे। हाँ, उस चीज के लिए बच्चे का। नहीं तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी तरह ऑनलाइन वॉरियर ही बन के घूमेंगे पूरी जिंदगी। डिफरेंस क्या है, गाली तुम भी खा रहे हो, गाली तुम्हारे बच्चे भी खाएंगे। हाँ, तुमने ये बोला ना कि उसके किसी फ्रेंड ने टैग किया था उसको और उसके बॉयफ्रेंड को, लड़की ने बोला क्रिंज है, बट आई थिंक इट्स मोर इंसल्टिंग फॉर द बॉयफ्रेंड कि मतलब मुझे पता है मैं और मेरा बॉयफ्रेंड ये चीज पुल ऑफ नहीं कर सकते। स्टॉप, पॉज, थोड़ा सा वापस देखो, अगर तुम कर पाते तो तुम डेफिनेटली कर रहे होते। तुम कर रहे होते, अब तुम नहीं कर रहे हो मतलब तुम कर नहीं पा रहे हो। ओह माय गॉड, माय लेडी इज अ क्वीन। मूविंग अहेड, आई एम बहुत बड़ा नाम है यार, प्लीज अच्छे फिटिंग वाले कपड़े पहनो प्लीज।
मेरे को ऐसा लगता है एक वीडियो हमको थर्मल में बनाना चाहिए. मुझे भी लगता है पूरा. गाइज थम्स अप इफ यू गाइज वांट टू सी अस इन जस्ट थर्मल्स. और फक थर्मल के एड कितने ऑकवर्ड होते हैं तुमको पता है. बच्चों को ओल्ड लोगों को हमेशा सामने रखते हैं और हमेशा जो यंग होते हैं उनको पीछे रखते हैं उनका क्रॉच छुपाने के लिए. ओल्ड आदमी को हमेशा ऐसा प्लेस करेंगे और यंग को इधर. ऐसा वाला नहीं पहनने यार हमें फिटिंग के कपड़े. हमें नहीं कम्फी होता यार. हम पहनेंगे. हम बहुत बॉडी कॉन्शियस है. हम फिटिंग के कपड़े नहीं पहनते. हम खुद मीडियम साइज के ओके एक्स्ट्रा स्मॉल टी शर्ट नहीं पहनते. बस मुझे इतना ही मिला और ये मतलब काफी पुराने वीडियो से भी निकाला है मैंने. फिटिंग कपड़ों पे डिपेंड करता है किसको बोल रहा था करने को. हाँ मैं एक यही मैसेज देना चाहूंगा तुम लोग को. अगर नहीं अच्छा लग रहा ना किसी का वीडियो तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इंस्टाग्राम पे. तुम लोग अगर ऊपर क्लिक करोगे ना तीन डॉट पे नॉट इंटरेस्टेड करके एक चीज आता है. तो वो टाइप के कंटेंट का नॉट इंटरेस्टेड करते जाओ या स्क्रॉल कर दो. इंस्टाग्राम बंद कर दो. अपना ध्यान डाइवर्ट करो या काम कर लो यार कुछ. पूरा टाइम इंस्टाग्राम पे क्या है. कमा रहे हो क्या इंस्टाग्राम से तुम लोग हमारी तरह. नहीं ना तो फिर तुम लोग जिन जिन लोगों को गाली दे रहे हो ना वो लोग कमा रहे हो उससे. और तुम लोग मुफ्त का ये कर रहे हो. ये चीज मैंने बहुत लेट रियलाइज किया बट इट्स अ फैक्ट है ना. तो मेरे को यही बोलना है कि मतलब तुम लोग किसी को भी अगर ऐसा बोलते हो तो देखो हर कोई यूट्यूबर नहीं होता. किसी किसी के लिए ना बहुत डीमोटिवेटिंग होता है वो चीज. इस सेंस में कि अरे लोग हम लोग को साथ में देखना पसंद नहीं करते क्या. हमारे में कुछ प्रॉब्लम है क्या. ये सब चीज मेंटली अफेक्ट करता है कुछ कुछ लोगों को है ना. अभी जैसे हम लोग को पता है कि कोई कुछ बोले एक कमेंट करे और वो कमेंट से हम लोग 5,000 रुपया कमा के निकल जाए. तो इफ यू वांट पीपल टू लीव सोशल मीडिया और गेट डिप्रेस्ड अटेम्प्ट सुसाइड ये सब करने का तुम लोग का इंटेंशन है मतलब तुम्हारे लिए वो टाइम पे वो कमेंट करना फन होगा बट किसी और के लिए वो बिल्कुल फन नहीं होता है ना. हम लोग भी बहुत सारी चीजें देखते हैं है ना. जैसे एक लड़के ने कमेंट किया था तुम्हारे माँ बाप नहीं देखते क्या. तो मैंने वापस रिप्लाई किया कि मतलब अगर तुम लोग 25-26 साल के होके सब चीज अपने मम्मी पापा के सामने करते हो आई थिंक दैट इज मोर प्रॉब्लमैटिक. स्टैंड अप टू योर बुलीज. बुली योर बुलीज बैक. मतलब किसी को भी किसी का बैठ के सुनने का जरूरत नहीं है. लड़की ने बोला ना कितना क्यूट दिखता है लड़की आज. जो चीज तुम देते हो यूनिवर्स में वो चीज तुमको वापस मिलने भी वाला है. बिकॉज द डे दैट द यूनिवर्स स्टार्ट्स बिकमिंग अनकाइंड टू यू मेक श्योर कि तुम उस चीज को ले पाओ. क्योंकि देखो हम लोग मेंटली एकदम रेडी रहते हैं कि हम जो करते हैं वो हम पे वापस आने ही वाला है. ऑब्वियसली बात है क्योंकि हमारे ऊपर आया हम रेसिप्रोकेट कर रहे हैं. हाँ, exactly. To be honest, हमने चालू नहीं किया ऐसा नहीं होता. ठीक है मेरे हिसाब से अभी तुमको खत्म करना चाहिए. मेरा वीडियो आएगा कल आएगा मेरा वीडियो है ना. आज ये लड़की का वीडियो आज हम लोग दोनों का कोलैब वीडियो था ऐसा समझो. लेकिन हम लोग ऐसा कोलैब करते रहेंगे. अगर तुम लोग अच्छा लगा हमारा कोलैब तो हम लोग और बोलो और पॉडकास्ट के लिए टॉपिक दो. कोई ऐसा फन फन नेक्स्ट टाइम.